गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू डिजी ज्ञान क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारी एनटीपीसी की और द्रौपदी की इम्पॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जीके की और जीएस की। तो मैं आपकी जीएस की क्लास लेके आज हाजिर हूँ। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल का नाम है डिजी ज्ञान क्लासेस। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अ लिक्विड ड्रॉप अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू, पानी की बूंदें गोल किस वजह से हो जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर, सेकंड है सरफेस टेंशन, थर्ड है फ्रिक्शन और फोर्थ है वेलोसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरफेस टेंशन। तो अब सरफेस टेंशन मतलब होता क्या है? ये एक लिक्विड की एक ऐसी तरह की टेंडेंसी होती है जिसके वजह से ये एक मिनिमम सरफेस एरिया में खुद को एडजस्ट कर लेती है, खुद को श्रिंक कर लेती है। ठीक है, लिक्विड की एक ऐसी टेंडेंसी जिस वजह से ये अपने आप को एक मिनिमम एरिया में श्रिंक कर लेती है, इसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? सरफेस टेंशन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है फुल फॉर्म ऑफ रडार। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंज, रेडियो डिटेक्ट एंड रेंज, थर्ड है रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग और फोर्थ है रेडियो डिवाइस एंड रेंजिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो अब रडार का हम लोग यूज़ क्या है ये जान लेते हैं। रडार का यूज़ किस वजह से होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट डिटेक्टर है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के काम में ये आता है। अगर जहाँ पे रडार प्लेस है उस वहाँ से लेके आगे का जो भी डिस्टेंस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, ये उस ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन। तो ये हो गया रडार का काम और ये हो गया रडार का फुल फॉर्म जो है रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन का नंबर एटम एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर किसके होती है? तो न्यूट्रॉन हम लोग कैसे मेजर करते हैं? न्यूट्रॉन का एक आप लोग ऑप्शंस पे मत जाइए, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है मास नंबर। ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जब हम लोग मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? न्यूट्रॉनों की संख्या सामने आ जाती है। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का। ठीक है, तो हम लोग नीचे हमेशा जो भी नंबर लिखते हैं वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के बाद 11th पे आता है सोडियम। और ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं? हमेशा इसका मास नंबर लिखते हैं और मास नंबर इसका कितना होता है? 23 होता है। तो जब हम लोग, मैं लिख देती हूँ एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है, और ऊपर में मास नंबर 23 है। तो जब हम लोग मास नंबर से माने 23 से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने जो आंसर आएगा जो कि 12 होगा, यही क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। सोडियम में एक सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो यही है इसका आंसर। इसमें अगर करेक्शन किया जाए तो इस ऑप्शन को हम लोग कट करके मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर अगर इसको कर दें तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ही होता है क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या पता लगाने का तरीका। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? लास्ट एलिमेंट ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक ऑक्टेव बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर फर्स्ट एलिमेंट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो लास्ट उसी ग्रुप के जो एट एलिमेंट के साथ वो मैच करता है। जैसे कि उन्होंने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन फिर हीलियम, फिर सॉरी हीलियम तो उस वक्त उसका इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और जब फ्लोरीन आ रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन का कैरेक्टरिस्टिक हमेशा सेम होगा। तो ये क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके जो आठवां एलिमेंट होगा ये फर्स्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स एट्थ एलिमेंट के साथ हमेशा मैच करेगा। तो उन्होंने टोटल 56 एलिमेंट्स को
यूज किया था, उनके हिसाब से पृथ्वी पे 56 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 56 एलिमेंट जो था वो उनके हिसाब से क्या था, थोरियम। ठीक है, पहला तो था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ही उन्होंने काम शुरू किया था, थोरियम था, और थोरियम कौन सा नंबर पे था, 56 नंबर का एलिमेंट था। ठीक है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो जैसे कि बेकिंग सोडा है, ठीक है, तो बेकिंग सोडा हम लोग कब यूज़ करते हैं, खाने के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो मान लो कि हमारे घर पे मान लो कोई गेस्ट आते हैं, वो खाना खाने आते हैं, और फिर हम लोग वो खाना खा के जब लौटते हैं तो हम लोग उनको क्या करते हैं, बाई करते हैं। तो अगर नाम में बाई आ गया माने, और बेकिंग सोडा खाने से रिलेटेड है और नाम में बाई आ गया, इसका मतलब आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का नाम क्या है, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट। इजी ट्रिक है, बाई से हम लोग बेकिंग सोडा को याद रख सकते हैं। और इसी के जगह पर अगर सोडियम कार्बोनेट का बात करें तो ये हो जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं आपको अभी दे रही हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष इकाई कौन सी है, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है, या डिस्प्लेसमेंट है। तो ये किसका है, डिस्टेंस का, ये लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब हम लोग जान लेते हैं एसआई यूनिट किसी इन सब के बारे में। तो सबसे पहले तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है स्पीड का। टाइम का तो जैसे आपको पता ही है सेकंड होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी होता है मीटर। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सबकी एसआई यूनिट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्पीड का क्या है, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, टाइम का क्या है। तो इन सारे के एसआई यूनिट्स मैंने आपको अभी बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैंडेला निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो पहला वेवलेंथ, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स, या फ्रिक्वेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब कुछ के हम लोग एसआई यूनिट जान लेते हैं। सबसे पहले तो वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, अब ल्यूमिनस फ्लक्स का अगर हम लोग देखें, ल्यूमिनस फ्लक्स का क्या है, तो इसका हम लोग मान सकते हैं इसका ल्यूमेन है। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसआई यूनिट्स के साथ पूछे जाते हैं। और फ्रीक्वेंसी का क्या है, फ्रीक्वेंसी का तो बहुत ईजी है, हर्ट्स है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स होता है। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैंडेला किसका यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। ठीक है, अब मोमेंटम इज मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम को मेजर करने का कौन सा तरीका इसमें से सही है, आप बताइए, स्पीड इंटू वेट, मास इंटू वेलोसिटी, स्पीड इंटू वेलोसिटी, या मास इंटू वेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी ही को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, मोमेंटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मोमेंटम का कुछ ये इसका हम लोग अगर यूनिट बोले तो ये क्या, हम लोग कैसे लिखते हैं इसके यूनिट को, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर से ही हम लोगों ने इसको निकाला हुआ है, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग फोकस करके थोड़ा इस सेशन को लीजिए, डेली लीजिए, डेली आपकी ये क्लास 1 बजे से चलेगी, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिए इस क्लास को। अब मेटल दैट कैन ईजिली कट, ऐसा मेटल जो इजीली कट किया जा सकता है, ये आज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको आता होगा। सोडियम इज द करेक्ट आंसर, सोडियम वो ऐसा मेटल है जो कि इजीली कट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेचुरल फेनोमेनन कॉज एन अर्थक्वेक इज, भूकंप किस प्राकृतिक घटना के कारण आता है, सॉइल इरोजन की वजह से आता है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आता है, सुनामी की वजह से आता है, या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ही भूकंप आता है। अब जब वॉल्केनो की बात आ गई है तो हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक जीके देख लेते हैं। इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो, इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पाया जाता है, कौन सा है इंडिया का वन एंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो, वो कहाँ है, बैरन आइलैंड में है। ठीक है, बैरन आइलैंड, ठीक है,
बैरन आइलैंड में इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है, और ये बैरन आइलैंड है कहाँ, अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में बैरन आइलैंड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नेचुरल फेनोमेनन कॉजेज एन अर्थक्वेक वॉल्केनिक इरप्शन। इसके बाद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज, ऑर्गेनिज्म माने कि जीवों और पर्यावरण के बीच तालमेल का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इकोलॉजी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट स्टडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इकोलॉजी। अब इससे एक इम्पॉर्टेंट हम लोग पॉइंट जान लेते हैं, इकोलॉजी वर्ड को कॉइन किसने किया था, पहली बार किसने यूज़ किया था। तो इसका इनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, इसका जो नाम था वो था अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी वर्ड को सबसे पहली बार किसने यूज़ किया था, अर्नेस्ट हैकल को। अब जूलॉजी माने जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान जैसे कि हम लोग जानते हैं, एंथ्रोपोलॉजी है और एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर है हो गया इकोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स होता है, स्फेरिकल लेंस होता है या फिर सिलिंड्रिकल लेंस होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है, जैसे कि हम लोग को पता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास माने कि किसी भी छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग बड़ा करके अगर देखना चाहे तो, अगर मैग्नीफाइड करके देखना चाहे तो उसके लिए हम लोग किस लेंस का यूज़ करेंगे, बहुत इजी सा आंसर है। अगर हम लोग डेली लाइफ से इसको रिलेट करेंगे तो कन्वेक्स लेंस हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि रियर व्यू मिरर जो होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि रियर व्यू जो हमारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं गाड़ी में जो लगे होते हैं, बाइक्स में, कार्स में, उसमें हम लोग देखते होंगे कि पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो काफ़ी छोटे छोटे दिखते हैं हम लोग को, है ना, रियर व्यू मिरर में। तो उसमें भी कौन सा लगा हुआ रहता है, कन्वेक्स ही लगा हुआ रहता है उसमें भी, कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस बाई विच मेटल्स ऑफ हाई रेजिस्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योरीफाइड मॉल्टन ओर, प्रक्रिया जिसके द्वारा उच्च प्रतिरोधकता की धातुओं को उनके पिघले हुए अयस्क से अलग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, प्योरीफिकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस या रिडक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करके जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको हम लोग किसी भी लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करके किसी भी लिक्विड से हम लोग उसके इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सब हम लोग आगे के सेशंस में भी पढ़ते रहेंगे। ये सारे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो RRB NTPC और RRB ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ये CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GK GS का कंप्लीट सेक्शन हम लोग ले रहे हैं, GK की क्लासेस आपकी 12:30 बजे से चलती है जो शुभम सर लेते हैं, और GS का सेक्शन मैं लेती हूँ अभी दोपहर 1 बजे से। सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आप लोग बिल्कुल इस क्लास को मिस मत कीजिए। और ये सारे क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जिसका लिंक है हमारा DigiGyan। आप लोग इससे भी हमारे साथ जुड़िए DigiGyan क्लासेस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।